हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर हम अपना टेक्स्ट बुक को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल उन लोग क्या बांस आ गया था, तो बांस में एक सीट में किना था एक बांस में किना सीट था 35। तो एक बांस में 35 स्टूडेंट बैठ सकता था, है कि नहीं। अगर उसमें से कितना टोटल स्टूडेंट्स किना था, टोटल स्टूडेंट्स 210 था। तो 210 में अगर एक बांस में 35 स्टूडेंट्स बैठ सकता है, तो 210 स्टूडेंट्स के लिए कितना बांस चाहिए था। तो उसमें क्या करने से हुआ था, तो हमको 210 को हम जब 35 से डिवाइड करेगा तो कितना था 6। तो 6 बांस कितना आया था, 6 बांस 6 बांसेस था आया। उसमें कितना बचा लोग बैठा 35 बचा थे, ठीक है। नाउ बांस आने के बाद फिर हम बांस बैठा। द जर्नी बिगिंस एट 9 o'clock। द जर्नी, जर्नी मीन्स क्या, यात्रा बोलता है। हमको बहुत लंबा यात्रा में जाना है, सपोज हमको यहाँ से धर्मशाला जाना है, तो हमको क्या बोलेगा, आई से लॉन्ग जर्नी यार, बोला इस लॉन्ग जर्नी में यात्रा, बहुत दूर यात्रा जाना है, दैट्स यात्रा। द जर्नी बिगिंस, देखो बिगिन है बोला मैं, बिगिन सेकेंड वर्ब क्या होता है, बिगन, ठीक है। थर्ड वर्ब क्या होता है, बिगन, ठीक है। बी आई जी आई एन जी एन जी एन बिगिन बिगन बिगन, ठीक। तो यहाँ में क्या है, बिगिन, एक्चुअली बिगिन है, बिगिन में क्यों एस लगा, क्यों, द जर्नी, जर्नी है ना, जर्नी सिंगुलर में आता है हमेशा। तो जर्नी बिगिंस एट 9 o'clock। तो जर्नी माने यात्रा, बिगिंस माने शुरू होता है। यानी एस जिस वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब क्या, जैसे कि आई ईट्स एन एप्पल, बोले कि आई ईट्स एन एप्पल, दैट मींस क्या है, हम एप्पल खा रहे हैं, नहीं खा रहे ना, मेरे पास एप्पल है, नहीं है, हम एप्पल खाएगा बोल रहे हैं, नहीं बोला, हमने एप्पल खाएगा बोला, नहीं बोला ना, तो क्या बोला माँ, आई इट्स एन एप्पल, मैं एप्पल खाता है, डेट मीन्स क्या, हमको मिलने से हम खाता है, आई डोंट इट्स एन आई डोंट इट्स रॉक, क्या पत्थर हम खाते हैं, नहीं खाता है ना, आई डोंट ईट रॉक, हम पत्थर को खाएगा भी नहीं बोल रहा, खाया भी नहीं बोल रहा, खाने वाला भी नहीं है ना। तो फिर क्या, इट्स एस लग गया, डेट मीन्स क्या है, एक स्टेटमेंट है, यहाँ भी है, द जर्नी बिगिंस एट 9 o'clock। तो उन लोग का जर्नी जो स्टार्ट, एक तो कहानी जैसे बता रहे, एक्चुअली ये हैपनिंग नॉट, इट्स नॉट हैपनिंग, ये नहीं हो रहा है, एक कहानी जैसे एक बता रहा है, जैसे कि हमने बोला एक बंदर और एक कुत्ता है, दोनों मुंगत पहुंचता है, पहुंच के दोनों रोटी खाता है, रोटी खाने का फिर वापस आता है, वापस आने के बाद सो जाता है, तो सब क्या है, इन्फिनिट है ना, सब इन्फिनिट है, एक्चुअली में हो रहा है नहीं ना, सिर्फ एक स्टेटमेंट हो रहा है, तो ये भी वही है, एक्चुअली में एक स्टेटमेंट हो रहा है हमें, ठीक है। इसलिए वैसे हमको बाद में ऐसे लगता है, द डॉग गोस टू मुंगोल, जाता है कुत्ता लोग जाता है ना, जैसे आई इट्स एन एप्पल, जब हम एप्पल मिलता है एप्पल खाता है, नहीं खाता नहीं बोला, तुम एप्पल खाता है, खाता है, तो खा रहा है तो नहीं, खाएगा भी नहीं, मेरा पास एप्पल ही, हमने समय को एप्पल ही नहीं, सुबह भी नहीं खाया और शाम को भी हम खाने वाला नहीं है, लेकिन आई इट्स एन एप्पल, अगर एप्पल मिलता तो हम खाता है, तो यह भी यही है, यहाँ भी हो रहा नहीं है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन हो, द जर्नी बिगिंस, तो उन लोग का जो यात्रा शुरू होता है, एक माने पर, एट होम घर पर, एट स्कूल स्कूल पर, स्टडी वेरी केयरफुली एट स्कूल, बोले स्टडी केयरफुली एट स्कूल, स्कूल में अच्छा से ध्यान से स्टडी करो, तो पर एक माने पर 9 o'clock माने 9 बजे, द जर्नी बिगिंस, यात्रा शुरू होता है, बिगिंस माने स्टार्ट, शुरू होना, ठीक है, बिगिंस माने क्या, शुरू होना, स्टार्ट भी बोलते हैं, तो जनरली क्या बोले, बिगिन, तो जर्नी बिगिंस एट 9 o'clock। तो जर्नी यात्रा कितना बजे शुरू होता है, 9 बजे शुरू होता है। तो मैंने एक कहानी, जैसे कि एक कुत्ता एक बंदर है, एक कहानी बता रहा है, दोनों अभी मुंगोट जाता है, बोला ठीक है, गौतम मुंगोट, तो उस टाइप का, ये भी एक कहानी टाइप का है, एक्चुअली ये हुआ नहीं है, ये एक फिक्शियस बोलते हैं ना, फिक्शियस बोलते हैं, जैसे कि एक कोई सोच के बोल रहा है कहानी, एक राइटर ने लिखा है, जो लिखने वाला को राइटर बोलते हैं, एक सोच की ये लिखा है, एक्चुअली नहीं हो रहा है ना, ये एक्चुअली नहीं है, इसलिए हमेशा स्टेटमेंट एस लगता है, ठीक है। सपोज ही बिगेन हिज जर्नी एट 6 o'clock, ही बिगेन हिज जर्नी एट 6 o'clock, दैट मींस ही मींस कोई कोई भी आदमी होगा, वह अपना यात्रा को 6 बजे शुरू किया है, ये तो शुरू किया, बिगेन है ना, सेकेंड बार में मैंने शुरू किया उसने, सपोज एक राम था, सपोज कोई एक लफ्ज़ सोचो, उसने कल शाम को यहाँ से चला गया, तो हम क्या बोले, बिगेन बोलेंगे, ही बिगेन हिज जर्नी एट 6 o'clock, उसने कल रात को शुरू कर दिया, अपने शुरू कर दिया, तो
एन भाई यानि एस लग गया मींस एक्चुअली नॉट हैपन एक्चुअल नहीं होता ठीक है तो द जर्नी बिगिंस क्योंकि ज्यादा स्टेटमेंट जो सोच के जो फिक्सेस लिखते हैं हमेशा इन्फिनिट टेंस में लिखते हैं इन्फिनिट टेंस जहां भी वर्ब में एस लगा होगा और कभी ये सिंगुलर होगा तो एस लगे प्लूरल होगा तो एस नहीं लगे तो सिंगुलर जहां सिंगल वर्ब जो फर्स्ट वर्ब कहीं भी होगा वो क्या एक स्टेटमेंट है ठीक है द जर्नी जर्नी माने यात्रा बिगिन माने शुरू शुरू होता है कब एट नाइन ओक्लॉक पर चलो बच्चा लोग बांस आया एक्साइटेड हुआ था ना यहाँ बांस आ गया चलो चलो जल्दी विंडो सीट को ग्रैब करो ग्रैब माने ऑक्यूपाई करो तो बांस देता और उन लोग का बांस कब स्टार्ट करता है नौ नाइन ओक्लॉक में उन लोग का बांस स्टार्ट होता है स्टार्ट माने ये हुआ नहीं एक्चुअली ये हुआ नहीं ऐसे सोच के राइटर ने बता रहे कि उन लोग का नौ बजे उन लोग का जर्नी स्टार्ट होता है जैसे कि एक घंटा बिल्ली बैठ के खाना खाता है फिर दोनों जाता है तो हम भी सोच के बोल रहे हैं ना एक्चुअली तो नहीं हो रहा एक्चुअली कुत्ता तो है नहीं देखा है एक कुत्ता एक बिल्ली बैठता है दोनों एक कहानी जैसे बता तो ये भी इससे वैसे है तो बच्चा लोग बांस में बैठता है बोलता है बच्चा लोग बांस में बैठ के उसका बाद जर्नी कितना बजे स्टार्ट होता है नौ बजे जर्नी स्टार्ट होता है एज द बांस स्टार्ट एज द एज माने जैसे ही बांस शुरू स्टार्ट और बिगिन सेम वर्ड्स आर सेम मीनिंग ठीक है एज द बांस स्टार्ट जैसे कि एस माने जैसे कि बांस स्टार्ट मूविंग बांस ने मूव तो वो मूव मूव माने ये भी वर्ब है ठीक है काई आई एन जी लगा देगा ठीक है तो एक नाउन का काम करता है मूविंग मूव माने चलना ना मूविंग माने जैसे कि रन माने दौड़ना रनिंग माने दौड़ ऐसे मूव माने चलना आई एन जी लगा दे कहीं आई एन जी लगा दिया देख लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया मूव माने चल चलना जो स्टार्ट जो हर चलता है ठीक है चलना जैसे मूव माने जैसे अभी हम तो मूव कर रहे हैं दिस इज मूव मूविंग माने माय मूविंग इज सो स्लो मेरा चलन जो बहुत छोटा है माने आस्ते जैसे कि आई मूव नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द मूंगोट अगर मूव कर रहा है मूंगोट्स में ना चल रहा है मूव टुवर्ड्स द मूंगोट माय मूविंग इज सो स्लो बोलते हैं मेरा चलना जो बहुत स्लो है आस्ते तो आई इंजी लगा तो द बस स्टार्ट मूविंग तो बसेस ने स्टार्ट करता है ये देखो बसेस क्या एक से ज्यादा है स्टार्ट भी क्या है वर्ब है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये छोटा से अच्छा से स्टार्ट का फर्स्ट वर्ब क्या है स्टार्ट ठीक है सेकंड वर्ब क्या है स्टार्टेड थर्ड वर्ब भी क्या होता है स्टार्टेड ठीक है अब यहां पे एस लगना चाहिए यहां पे वर्ब में फर्स्ट वर्ब में एस लगना यहां क्यों नहीं लगा ये बसेस ये प्लूरल है एक से ज्यादा है ना बसेस यहाँ जर्नी यात्रा एक सिंगुलर को रिफर करता है यहाँ क्या बसेस एक से ज्यादा है तो यहाँ स्टार्ट एस नहीं लगाते एस द बस स्टार्ट जैसे कि बस ने स्टार्ट मूविंग चलना शुरू कर दिया बस ने चलना शुरू कर दिया करता है जब बस ने स्टार्ट मूविंग चलना शुरू करता है चिल्ड्रन सिंग तो क्या करता है बच्चा सिंग चिल्ड्रन बच्चे लोग लड़का लड़की सब लड़का को क्या बोलते हैं बॉयस लड़की को क्या बोलते हैं छोटा लड़की को गर्ल्स सब लोग के सामने क्या बोलते हैं चिल्ड्रन ए गर्ल्स ए बॉयस तो नहीं बोले ए चिल्ड्रन काम यार बोले ना सपोज वहां बच्चा लड़का लड़की छोटा बच्चा बच्चा लड़का लड़की लोग खेल रहे हैं ए बॉयस कम ए गर्ल्स कम दोनों ने ए चिल्ड्रन कम बोलेगा ना चिल्ड्रन बोलेगा दोनों को लड़का को भी लड़की को बच्चे लोग को क्या चिल्ड्रन एज द बस स्टार्ट मूविंग जैसे ही बस ने चलना शुरू किया शुरू होता है चलना शुरू होता है क्या नहीं है शुरू होता है जैसे बस ने चलना शुरू होता है चिल्ड्रन सिंग बच्चा लोग क्या गाना गाता है सिंग में क्या बात है सिंग सेंग सम ठीक है एस आई जी सिंग एस आई जी सम एस आई जी सेंग सेकेंड एस यू एन जी सम थर्ड वर्ब तो फर्स्ट वर्ब ठीक है तो चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस चिल्ड्रन सिंग चिल्ड्रन लोग गाना गाता है मतलब चिल्ड्रन लोग गाते हैं ठीक है गाया भी नहीं गाएगा भी नहीं गाया था भी नहीं लेकिन ऐसे गाते हैं माने सोच के बता रहा है माने एक स्टेटमेंट बोल चिल्ड्रन सिंग बच्चे लोग या चिल्ड्रन कहना है या कोमा दे देना एक सेंटेंस हो गया ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ये वर्ब ये क्या हो गया ये सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब हो गया ठीक है यहाँ ऑब्जेक्ट साइलेंट है चिल्ड्रन सिंग बच्चा लोग क्या है गाता है बोलता है बच्चा लोग गाते हैं कैसे गाते हैं एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस टॉप ऑफ देयर माने जितना आवाज सबसे ऊंचा आवाज है उसमें गा रहे हो एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस माने आवाज देयर माने उनका चिल्ड्रन का जहां देयर आया ये प्रोनाउंस हो गया चिल्ड्रन बच्चा देयर वॉइस जैसे बस चलना शुरू होता है बच्चे लोग गाते हैं बोलते हैं कैसे गाते हैं एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस वॉइस आवाज
उनका आवाज एट द टॉप ऑफ टॉप मन सबसे ऊंचा जितना जोर से चिल्ला के मन टॉप उससे ज्यादा चिल्ला नहीं सकता है जितना चिल्लाना है ना एक बच्चा लोग जितना आवाज बड़ा निकलना है वो निकल के उन लोग क्या कर रहे हैं गाते हैं ठीक है प्लीज सम लुक लुक माने क्या देखना ठीक है ये भी क्या बात देखो सम माने कोई बच्चा लोग चिल्ड्रन सम माने कोई बच्चा सम माने ज्यादा नहीं थोड़ा सा ठीक है सम लुक लुक माने फर्स्ट वर्ब लुक सेकंड वर्ब क्या है लुक थर्ड वर्ब में क्या है लुक है ठीक तो ये सब्जेक्ट हो गया लुक आउटसाइड तीन चार तो है ना सिंगल तो नहीं है मे बी थ्री फोर स्टूडेंट्स वेयर तो तीन चार बच्चा लुक देखते हैं यहाँ एस में लगे यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ एस लगे यहाँ सिंगुलर नहीं है सम कोई बच्चा लोग लुक आउटसाइड लुक माने देखना आउटसाइड माने बाहर इनसाइड माने अंदर तो लुक आउटसाइड लुक माने देखना आउटसाइड माने बाहर खिड़की से ना सब बच्चा लुक आउटसाइड बाहर देखता है क्यों देखता है ये इन्फिनिटी बोलते हैं टू एंजॉय टू सिंग खाने के लिए टू ईट खाने के लिए तो ये इन्फिनिटिव बाप के साथ टू आ गया जो इन्फिनिटिव बोलता है आई एम गोइंग मुंगोट मैं मुंगोट जा रहा हूं टू ईट बिरयानी तो टू ईट बिरयानी क्या हो गया इन्फिनिटिव बोलेगा ठीक है टू एंजॉय द व्यू व्यू माने सीनरी अभी जैसे हम जितना मेरा आंख के सामने है वो जो व्यू है और सीनरी बोले ये सीनरी बहुत सुंदर है इतना बड़ा सीनरी ना बोले लेकिन मेरे आंख का आगे जितना भी आ रहा है जितना मेरे आंख से कवर दैट्स व्यू ठीक है तो क्या है चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस चिल्ड्रन ये दोनों देखो ये वर्ब है ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइलेंट है जैसे आई ईट एप्पल एप्पल ऑब्जेक्ट सिर्फ हम आई एम ईटिंग बोले तो कहीं कहीं जरूर नहीं होता ऑब्जेक्ट ठीक है तो सम लुक आउटसाइड उनमें से कोई लोग आउटसाइड बाहर देखते हैं क्यों देखते हैं टू एंजॉय एंजॉय माने एंजॉय करना माने जैसे खुशी माना देखो एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड ग्रीन माने हरा फील्ड माने बोला ना फील्ड माने खुला जगह एकदम जैसे खुला जगह होता है दैट इज फील्ड जहाँ एकदम पूरा हरे खुला जगह फील होगा दैट इज फील्ड खुला जगह ना पहाड़ वहाड़ पत्थर वत्थर नहीं होगा एकदम खुला मैदान दैट इज फील्ड तो पूरा ग्रीन फील्ड तो सम लुक आउटसाइड उनमें से कोई लोग बाहर देखता है क्यों देखता है टू एंजॉय द व्यू व्यू को एंजॉय करने के लिए और व्यू क्या है ग्रीन फील्ड एंड द हिल्स ग्रीन फील्ड है ऐसे ग्रीन फील्ड है ग्रीन फील्ड खुला जगह वो खुला जगह पीछे क्या है हिल्स है हिल्स माने पहाड़ जैसे ये खुला जगह होगा खुला जगह आगे में क्या है पहाड़ हिल्स है तो उसको तो व्यू माने क्या है जो जितना मेरा आंख का सामने जो जितना मेरा आंखों ने दिखाई देता है इसमें व्यू उसको व्यू बोलते हैं व्यू जैसे सीन बोलेगा तो पूरा हो जाएगा ना सीन है सीनरी ऑफ द जैसे जम्मू एंड कश्मीर का सीनरी बहुत अच्छा बोलेगा तो जम्मू और कश्मीर का व्यू अच्छा नहीं बोलेगा व्यू माने जहां हम देख रहे हैं मेरा आंख के सामने जो कुछ भी आ देश में व्यू ओके एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड माने खुला मैदान वो खुला मैदान के पीछे क्या होता है हमेशा हिल्स होता है ना वो देखने के लिए क्या वो ठीक है नाउ उसमें से एक बच्चा इंदिरा है इंदिरा एक बोलता है व्हेन विल वी रीच भोपाल कब हम भोपाल पहुंचेंगे बोलता है तो मिस आशा क्या बोलता है इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर If we don't stop, हम कहीं भी नहीं रुकेगा If माने यदि we माने हम डॉप माने नहीं स्टॉप माने रुकना एनी माने कहीं भी अगर यदि हम कहीं भी नहीं रुकेगा we should reach should माने चाहिए we should reach reach माने पहुंचना हम पहुंचना चाहिए there in 2 hours there वहां पहुंच जाएंगे in 2 hours 2 घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे ये बोलते that is around कितना बजे उन्होंने स्टार्ट किया था 9 बजे स्टार्ट किया कितना बजे स्टार्ट किया 9 बजे सके तो क्या बोलते इंदिरा क्या बोलता है उसमें से एक लड़की ने पूछता है बोलता है ठीक है एक लड़की ने पूछता है बोलता है इंदिरा एक बच्चा when माने कब जब कब when will you go कब जाएगा when will you come कब आएगा when will माने आने वाला when will reach भोपाल हम reach माने पहुंचना हम सब भोपाल कब पहुंचेंगे बोलते हैं तो उसमें से एक मिस आशा एक बच्चा ने बोलता है मिस आशा ने मिस माने मैडम होगा If we don't stop, अगर हम कहीं भी नहीं रुके, if we don't stop anywhere, मैं कहीं भी,
हम कहीं भी नहीं रुकेगा इफ यू डोंट स्टॉप एनीवेयर वी ये डोंट स्टॉप ये क्या बात है ये क्या वी क्या हो गया हमें सब्जेक्ट हो गया ठीक है ये क्या कि स्टॉप ये बात हो गया स्टॉप 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 एनीवेयर ठीक है वी डोंट वी स्टॉप माने हम रुकना वी स्टॉप बोले थे रुकना वी डोंट स्टॉप बोले थे हम लोग नहीं रुकना ठीक है वी स्टॉप बोले थे वी स्टॉप हम लोग रुकते हैं वी डोंट स्टॉप हम लोग नहीं रुकते हैं अगर हम लोग नहीं रुकता है कहीं भी एनीवेयर वी शुड माने चाहिए वी शुड रीच दिया हम सब रीच दिया इन टू आवर्स में वहां पहुंच जाना चाहिए ठीक वी शुड रीच हम लोग पहुंच जाना चाहिए रीच माने पहुंचना चाहिए दिया वहां इन टू आवर्स इन माने मे टू आवर्स में पहुंचना चाहिए देयर इज अराउंड अराउंड माने आसपास ठीक है देयर इज अराउंड तो 9 बजे स्टार्ट होगा 2 बजे 2 घंटे के बाद पहुंचेगा 9 का बाद 2 घंटा लगा कितना हो जाएगा 9 का बाद 2 घंटा का बाद कहां पहुंचेगा 11 o'clock पहुंचे ना 9 घंटा 9 बजे स्टार्ट किया तो 2 घंटा बाद क्या हो जाएगा 11 बजेगा तो 11 बजे वहां उन लोग पहुंच जाएगा कहां पहुंचेगा चिल्ड्रन विल एनीवेयर वी शुड एंड द अराउंड 11 o'clock में जहां उन लोग पहुंचना था वहां पहुंच जाएंगे ठीक है सो इसका छोटा-छोटा बात है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बात को बिल्कुल अच्छे से जानना है And that's all for today. Thank you guys. Have a nice day.